गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आपको हमारी वीडियो का कंटेंट भी बिल्कुल इजी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टेटिस्टिक्स पार्ट 3, जिसमें हम मीडियन और मोड को अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हम एक एक इनका एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि हमारा जो ये पार्ट है हमें इजिली समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मीडियन और मोड, हमने मीन जो है इसे पहले वाली वीडियो में हमने मीन के बारे में पढ़ा है, और मीन का बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हमें मीडियन और मोड दोनों समझ में आएंगे। तो इससे पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको मीन का पता चलेगा, और मीन के बाद मीडियन और मोड, क्योंकि तीनों की तीनों हमारी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को मापती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, हमने अच्छे से पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से और इजीली तरीके से समझा रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद आप ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। यस, मीडियन। मीडियन क्या होता है जी? मीडियन स्कोर व्हेन ऑल स्कोर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन आर रेंज फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट। यस, सबसे पहले मीडियन क्या है? मीडियन जो है ना, एक सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे मीन है ना, मीन का ही एक अल्टरनेट है हमारे पास मीडियन है, ठीक है? मीन का ही एक अल्टरनेट हमारा मीडियन है। इस पे हमारा जो स्कोर होता है ना, वो हमारा जो डाटा होता है, वो डाटे का जो लेवल होता है हमारा, वो ऑर्डिनल लेवल होता है, ऑर्डर में होता है, ऑर्डिनल लेवल में, ठीक है ना? तो जो हमारा, अगर हमारे जो स्कोर है वो ऑर्डिनल लेवल में है हमारे पास, और उसके ऊपर मीन लगा पाना पॉसिबल नहीं है, तब हम जो है मीडियन का प्रयोग करते हैं। तो मीडियन क्या है? मीडियन एक अल्टरनेट है हमारा मीन का। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन ज्यादा यूज होता है, लेकिन जहां पर हम मीन को यूज नहीं कर पाते, वहां पर हम मीडियन और मोड को यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो ये मेथड है हमारे, ये जो है ऑर्डिनल लेवल पे होते हैं। जब हमारा डाटा ऑर्डिनल लेवल पे होता है तो हम मीडियन और मोड यूज कर सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है जी? मिडिल स्कोर होता है। मिडिल स्कोर व्हेन ऑल द स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन आर अरेंज फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जब हमारे पास जो स्कोर होता है ना, हमारे एग्जाम्पल में भी करेंगे, जब वो स्कोर होता है उसको अगर मीडियन उसका निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अरेंज करेंगे लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है 15, 63, 34, 20, 25। अगर हमने इनका मीडियन निकालना है तो हम इसको पहले क्या, सबसे पहले लोवेस्ट लिखेंगे। सबसे पहले लोवेस्ट कितना जी? 15 है, फिर कितना है जी? 20 है, फिर है जी 25 है। ऐसे ऐसे क्या है हमारा, हम उनको अरेंज करेंगे, ठीक है? और अरेंज करने के बाद जो मिडिल में जो स्कोर आता है ना, मिडिल का जो स्कोर होता है, वो ही हमारा क्या होता है, वो मीडियन होता है, ठीक है दोस्तों? हाँ, जो मीडियन है, जैसे हमने मीन निकाला था, मीन भी दो सिचुएशन में निकलता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, उसी तरह मीडियन भी हमारा जो है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों में निकलेगा। तो मीडियन इन ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा कौन सा होता है जी? ग्रुप डाटा इज डिफाइंड एज द डाटा गिवन एज इंडिविजुअल्स पॉइंट। वैल्यू जो हमारी होती है ना, वो इंडिविजुअल वैल्यू होती है, वो इंडिविजुअल पॉइंट्स के अंदर होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है 15, 63, 34, 20, 25 आगे, ये जो हमारी जो डाटा है, ये हमारा अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें हमने क्या ग्रुप नहीं बना रखे हैं। और ग्रुप डाटा कौन सा होता है जी? मीन द डाटा और इंफॉर्मेशन गिव इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन या डाटा जो है क्लास इंटरवल में होता है, क्लास इंटरवल इन द सेंस जैसे 0 से 20, 20 से 40 और आगे ऐसे 41 से 60, ऐसे ऐसे जो हमारा डाटा होगा वो क्लास इंटरवल में होगा, ग्रुप में बांटा हुआ है, तो ये डाटा जो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा हो जाएगा। तो मीडियन भी आपका अनग्रुप डाटा का अलग निकलेगा, ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूले अलग होती हैं, हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा, मतलब मीडियन क्या होता है, मीन का ही एक अल्टरनेट होता है। जब हमारा डाटा हमारे पास ऑर्डिनल लेवल पे होता है तो हम मीडियन निकालते हैं, ना कि मीन, ठीक है? तो ग्रुप डाटा क्या होता है, जो डाटा हमें क्या है इंडिविजुअल पॉइंट्स में मिले, और सॉरी अनग्रुप डाटा क्या होता है, जो हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स में मिले। और ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो हमारा डाटा इंफॉर्मेशन हमारी क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमें मिले, तो वो ग्रुप डाटा होता है। जब भी हम मीडियन निकालते हैं अनग्रुप डाटा का, जो अनग्रुप डेटा होता है हमारा, जब उसका मीडियन कंप्यूट करेंगे, तब दो सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। सबसे पहले क्या है जी, जब सैंपल हमारा इवन होगा,
सैंपल हमारा क्या है जी, ईवन होगा, और दूसरी क्या, सैंपल हमारा ओड होगा। सैंपल यानी एन, एन का मतलब हमारे जो नंबर ऑफ स्कोर्स है ना, नंबर ऑफ स्कोर्स वो हमारे क्या है जी, वो इवन में है। जैसे एग्जांपल है इसके अंदर 8, 9, 3, 5, 2, 5, 2, ये जो हमारा क्या है जी, अब इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6, 6 हमारा क्या होता है, 6 हमारा इवन नंबर होता है, यानी हमारा जो नंबर ऑफ स्कोर्स है वो क्या है हमारे इवन है। तब कैसे निकलेगा, या जब सैंपल जो हमारा वो ओड है, यानी अब क्या है, अब हमारे पास ये 7 है, तो 7 क्या है हमारा, 7 हमारा ओड नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दो सिचुएशन अराइज होती है जब भी मीडियन निकालते हैं अनुक्रम डाटा के अंदर, कि हमारा सैंपल जो है यानी हमारा एन जो है वो इवन है, एन हमारा ओड है, तो ये दो सिचुएशन होती है। तो देखते हैं इसके अंदर हम कैसे कंप्यूट करते हैं हमारे मीडियन को। यस, जब हमारा सैंपल का साइज जो है ना वो ओड होता है, यानी हमारे नंबर ऑफ स्कोर जब ओड होते हैं तब कैसे करते हैं, देखिए व्हेन सैंपल इज ओड वी सेट स्कोर इन लोअर टू हाईएस्ट ऑर्डर। हमें मीडियन निकालने के लिए हमारे डेटा को क्या है जी, वो ऑर्डर में, तो इसको हमें लगाना ही पड़ेगा। किस ऑर्डर में, लोअर से हाईएस्ट, हायर ऑर्डर में हमें लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 7, 10, 8, 11, 9, 12, 7, ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये हमें क्या कितने है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, यानी हमारा सैंपल क्या है जी, ओड है, तो हमें इसको लोअर टू हाईएस्ट ऑर्डर में लगाएंगे। पुट इन ऑर्डर 7, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 7, फिर 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, ये हमने क्या है इसको ऑर्डर में लगा दिया। ऑर्डर में लगाने के बाद दो तरीके से हम मीडियन जो है कंप्यूट कर सकते हैं। क्या तो हम क्या करें, बीच वाले नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे, 3 इधर है और 3 इधर है, तो बीच में हमारे पास क्या है, 9 है जी, हमारे पास क्या है, 9, 9 हमारा ओड में, सैंपल जब ओड होगा तो जो बीच की जो वैल्यू होगी हमारी, 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए, वो हमारा मीडियन बन जाएगा। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या है जी, 9 है। लेकिन एक और भी तरीका है, जो बेसिकली जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, वो हमारे पास एक ये भी है, एन, एन कितना है जी हमारे पास, एन हमारे पास 7 है जी, तो पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 7 है प्लस 1 भाग में 2, जब इसको हम भाग में करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। ये 4 हमारा मीन, सॉरी मीडियन नहीं है, ये क्या कह रहा है, जो फोर्थ टर्म आपके ऑर्डर में, आपकी जो फोर्थ टर्म है ना वो आपका मीडियन है। तो फोर्थ टर्म निकालेंगे 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ टर्म कौन सी हमारी, 9, तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा जिस केस में, हमारा मीडियन जो है वो 9 निकल आएगा। इस तरीके से भी कर ले, इस तरीके से भी कर ले, लेकिन इस तरीके से जो होगा हमारा वो ओड नंबर के लिए ही होगा, जो हमारी बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन बन जाएगी। लेकिन बेटर होगा अगर आप इस तरीके से करें तो आपके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए हमेशा। तो चलिए आगे करते हैं, आई होप आपको ओड, जब सैंपल आपका ओड है तो हमें मीडियन कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो बीच की जो वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन ही होती है। यस, अभी तक हमने पढ़ा सैंपल जब हमारा ओड होगा तो क्या करना पड़ेगा, अब जब हमारा सैंपल जो है ना हमारा वो इवन होगा, इवन इन द सेंस 2, 4, 6 ऐसे जो इवन नंबर होते हैं, अगर हमारा सैंपल उस फॉर्म में है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है जी, वहन जब सैंपल आपका इवन है तो क्या करना पड़ेगा हमें, लोअर टू हायर, देखिए चाहे ओड हो चाहे इवन हो, चाहे आपको मीडियन अगर निकालना हो तो डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा जी, लोअर टू हाईएस्ट, हायर ऑर्डर में, तो हमें इसको सेट करना ही पड़ेगा। वैसे ही मैं एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें से एक टर्म को हम आउट कर देते हैं, जैसे 7, 10, 8, 11, 9, 12, ये कितना हो गया जी हमारे पास, 6, यानी हमारा सैंपल अब क्या हो गया, 6 हो गया। सिंपल है जी, उस सेम हम क्या करेंगे, ऑर्डर में पुट करेंगे डेटा को, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब 2 इधर रह गया, 2 इधर रह गया, बीच में आ गया हमारे पास 2 वैल्यू, ठीक है ना, कोई सेंटर पॉइंट है नहीं, सेंटर में 2 वैल्यू है, तब कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले में कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है, ये 6 वैल्यू है, ये 6 स्कोर है, तो 6 प्लस 1 भाग में 2, तो 3.5 आ गया हमारे पास, 3.5 आ गया। अब 3.5 यानी थर्ड के आधा, थर्ड जो आपकी वैल्यू है उसके आगे आधा, लेकिन वो फोर्थ वैल्यू पे नहीं जानी चाहिए ये कहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। तो हम इसको बिल्कुल और तरीके से भी कर सकते हैं, बीच में अरेंज करने के बाद जो बीच में अगर 2 वैल्यू आपकी आती है, अगर इस फॉर्मूले से देखे तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 9.5 हो जाएगी, ठीक है ना, 9 का
10 का आधा और 9 से ज्यादा, 10 से कम होना चाहिए 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो कितना होगा 9.5 होगा। बट हम इसको और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो बीच में हमारी अरेंज करने के बाद बीच में जो दो वैल्यू आएगी ना, हम दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 10 प्लस में 9 भाग में 2, यानी 19 बटा 2 आ गया हमारा। तो अगर इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5। तो हमारा क्या है जी, मीडियन क्या आ गया हमारा 9.5, दोनों तरीके से 9.5 आ गया। दोनों तरीके बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को अपने ध्यान में रखना है जी। फिर उसके बाद आप चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हम उसको क्या करेंगे, लोअर टू हायर ऑर्डर में पुट करेंगे और उसको इस फॉर्मूले को लगा देंगे। और जो वैल्यू आएगी फॉर्मूला लगाने के बाद, वो वैल्यू हमारी मीडियन नहीं होती, वो टर्म होती है, ठीक है ना। वो अगर फोर्थ आती तो फोर्थ टर्म, अगर फिफ्थ आती तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी, आपका मीडियन कहलाएगी, ठीक है जी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है कि सैंपल अगर जब इवन है तो कैसे निकालते हैं, ओड है तो कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन अराइज होती है जब हमारा डाटा क्या होता है जी, वो अनग्रुप डाटा होता है। चलिए आगे चलते हैं। यस, जब डाटा हमारा क्या होगा जी, ग्रुप होगा, ग्रुप में होगा, क्लास इंटरवल में होगा, तब मीडियन कैसे निकालेंगे जी। तब मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्या है जी, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है जी, MDN का मतलब होता है जी मीडियन। हम मीडियन कंप्यूट करेंगे कैसे, L, L का मतलब होता है जी एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा L क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम इसको मान के चलेंगे, L क्या होता है जी, लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है जी L, ठीक है ना। n by 2, n क्या होता है हमारा, n हमारा सैंपल होता है, हमारा नंबर ऑफ स्कोर्स होता है कि नंबर ऑफ स्कोर्स कितना उसका, उसको हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, उसको हम 2 से भाग कर देंगे। f क्या जी, सम ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल क्लास इंटरवल बिलो l, जो हमारी लोअर लिमिट निकल के आएगी ना, उससे नीचे वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारा बड़ा f निकल आएगा। और स्मॉल f क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्कोर्स विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स, ठीक है ना। जहां पर लोअर लिमिट आई है हमारी, जिस भी ग्रुप एरिया में हमारी लोअर लिमिट निकल के आई है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमारी ये हो जाएगी, FM हो जाएगी, ठीक है। और आई होता है हमारा, आई होता है हमारा क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसे 1-5, इसके बीच में क्लास इंटरवल कितना है जी, 5 का है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा इजी है, ये मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल से मैं सारी चीजें आपको क्लियर, यस एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल क्या जी, हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल स्कोर है, ये होता है जी क्लास इंटरवल स्कोर, इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास इंटरवल स्कोर हमारा जो क्लास इंटरवल, ये इस तरह से है जी, ठीक है। और साथ में हमारा क्या जी, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 140 से 141 तक जो व्यक्ति है हमारा एक है, ये इस तरह से है जी, सामने वाला हमारा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी, ये ठीक है। अब हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे n by 2, क्योंकि हमें लोअर लिमिट अगर निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या जी, n by 2 को सोल्व करना पड़ेगा। n कितना है हमारे पास, n है जी हमारे पास 50, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना, वो हमारा नंबर ऑफ स्कोर्स होता है, यानी हमारे पास सैंपल होता है n, ठीक है ना। 50/2 यानी कितना आ गया हमारे पास, 25। अब क्या करना है जी, l को निकालने के लिए ये जो 25 आया है ना n by 2 हमारा, इसको नीचे से जो फ्रीक्वेंसी, इसको प्लस करते चलेंगे, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, यहां तक नहीं आया तो ऊपर चलते थोड़ा सा, 20 और 10 30, इसके बीच में आ जाएगा हमारा क्या जी, 25। इसके इससे तो क्या होगा, छोटा हो गया, इससे वो उसके नीचे हो गया, तो हम इसको क्या है जी, इस 10 के सामने वाले ग्रुप कौन सा हमारा, ये 10 के सामने वाला जो ग्रुप है हमारा ये है, ठीक है ना। तो एल कैसे निकालना है, जो n by 2 किया, n by 2 करने के बाद जो वैल्यू आई, उसको हम फ्रीक्वेंसी को नीचे से प्लस करते जाएंगे, और जब तक हमें हमारा ये फ्रीक्वेंसी का प्लस, ये फ्रीक्वेंसी जितना n by 2 जितना स्कोर नहीं मिल जाता, हम ऊपर चलते रहेंगे। तो हमारा ये यहाँ मिला 30 होगा, यहाँ पे 30, लेकिन 25 से तो ज्यादा ही है ना, कम नहीं ले सकते, ज्यादा ले सकते हैं। तो 10 हमें क्या है जी, 10 हमारी फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो जिसके सामने का जो स्कोर है ना, हमारा जो मीन आएगा ना, वो इन दोनों के बीच में आएगा, ये कहता है, ये अजम्पशंस मांग के चलते हैं कि हमारा जो, सॉरी हमारा जो मीडियन आएगा ना, वो इन दोनों के बीच में आएगा, मीन नहीं, मीडियन, मीडियन जो है क्या, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमारा जो एल हमें लेना है, अब इस स्कोर की लोअर लिमिट क्या है जी, 1.70 से
74, ये स्कोर निकल के आया है हमारे पास। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। अब ये जो है ना, ये इसकी लोअर लिमिट जो होती है ना 170, 170 की, वो होती है 1695। वो क्यों होती है, क्योंकि यहां से अगर 0.5 होता है तो हमारा जो नंबर है ना मैथ के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट टर्म में जुड़ जाता है। तो 169.5 को हम 170 ही मानते हैं अमूमन। तो 170 की जो लोअर पॉइंट होगी वो क्या होगी, वो 169.5 होगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। 169 पॉइंट हमारी क्या है, लोअर लिमिट। एन बाई टू भी आ गया, हमारे पास एल भी आ गया। एल कैसे निकलता है, एल है जी जो एन बाई टू करेंगे वो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या जी फ्रिक्वेंसी से नीचे से प्लस करते जाएंगे फ्रिक्वेंसी को, और जब तक हमारी वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू हमें नहीं मिल जाती तब तक हम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी 30 आ गया, लेकिन 25 से तो बड़ा ही है, छोटा नहीं ले सकते। या तो 20 था ना, 20 नहीं ले सकते, 30 लेना पड़ेगा। तो क्या है जी, 25 यहाँ पे आ गया हमारा, 30, 30 25 से बड़ा है, हम ले सकते हैं। तो उसके सामने वाला जो ग्रुप है यानी 170 से 174, इसकी जो लोअर लिमिट होगी 170 की लोअर लिमिट होगी 169.5, हम उसको एल ले लेंगे। ठीक है। अब एफ, एफ क्या था जी, एफ क्या था हमारा, जो हमारे जहां पर हमारा एन बाई टू लाई कर रहा है, जहां हमें हमारा मीडियन लाई करेगा, उससे नीचे की भी जितनी फ्रिक्वेंसी ना उसका सभी का जोड़, यानी हमारा मेन कहाँ पे लाई कर रहा है, 10 के ऊपर, हमारा 25 10 तक आया था ना, इससे नीचे वाली सभी फ्रिक्वेंसी का जोड़। तो 6 4 4 2 3 2 1, इसका जोड़ कितना था, 20। तो हमारा बड़ा एफ क्या आ गया, 20। और एफ यानी जो ग्रुप हमारा आया है उसके सामने की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो 10 है। और क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच में गैप कितना है, क्लास इंटरवल कितना है जी, वो 5 का है। ठीक है ना। तो ये हमारा सारा का सारा फॉर्मूला, हमने एक एक टर्म निकाल ली। अब इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एल की जगह एन, एन लिखेंगे। एल कितना था, 169.5 प्लस 25 माइनस 20, यानी एन बाई टू कितना था, 25। एफ बड़ा एफ कितना था हमारे पास, 20 आया था, और 10 × 5 जो इसको अब सोल्व करेंगे, हमारा मीडियन क्या आ गया, 172। ये हमारा मीडियन आ गया, और मैंने बताया था ना मीडियन इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, आ गया ना 172। तो हमारा इन दोनों के बीच में मीडियन लाई कर रहा है। तो मीडियन निकालने का ये तरीका था, जब हमारा जो डाटा है वो ग्रुप में होगा वो सिंपल है, हमें क्या सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है। फॉर्मूले में हमें एल कैसे निकालना है, एल निकालना है जब हमारा एन बाई टू निकालेंगे। एन बाई टू कितना का, 25। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ते चले जाएंगे, सम करते चले जाएंगे जब तक हमारा 25 या उससे ज्यादा नहीं आ जाता है। तो यहाँ यहाँ तक तो 6 तक तो हमारा क्या है, 20 ही आ रहा था, ऊपर हमारा 30 आ गया, 25 या उससे ज्यादा बड़ा आ गया। तो उसको हम क्या है जी, उस ग्रुप को ले लेंगे। उस ग्रुप की लोअर लिमिट क्या होगी, वो 169.5 हमारी लोअर लिमिट होगी। F20, F है 20, 20 का मतलब है जी जो हमें ग्रुप जहां पर हमारा मीन लाई करेगा उससे नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उन सभी का प्लस करना है। और एफ क्या जी, 10। और 10 क्या जी, जिस पर हमारा ग्रुप लाई कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी 10 है। और आई क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच में गैप कितना है, वो 5 का है जी। तो इस तरीके से हम जो मीडियन निकाल लेंगे, जो भी लोअर लिमिट आएगी ना उसके आसपास ही आपका मीडियन निकल के आएगा। लोअर लिमिट कितने थे, 170, तो इन दोनों के बीच में ही आया 172, हमारा मीडियन आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको करवाया है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। मोड, मोड बिल्कुल आसान है जी। ठीक है ना। मोड क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी में निकालनी होती है जो हमारे डाटा के अंदर बार बार आ रही है। ठीक है ना। उसको निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है जी। मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन - 2 मीन, यानी उस स्कोर का मीन भी निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालना पड़ेगा, और मीडियन को 3 से भाग कर देंगे और माइनस करेंगे किसको, मीन को, जो 2 से गुना, सॉरी मीडियन को 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई 3 - 2 × मीन। जो मीन आया उसको 2 से गुना कर दो, जो मीडियन आएगा आपका उसको 3 से गुना कर दो और उसको माइनस कर दो, वो आपका क्या जी, वो मोड निकल आएगा। मोड बिल्कुल सिंपल है, मोड में इतना ज्यादा पंगा नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है बिल्कुल इजी एंड क्लियर समझ में आ गया है। हम जो आपको समझाना चाहते थे मीन, सॉरी मीडियन और मोड, और मीन हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर समझा रखा है, तो वो भी एक बार देख लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी और किसी का भला ही करोगे। तो प्लीज शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।